लो देखो, अपनी आंखों से देखो। क्या इसके अलावा भी तुम्हें कोई सबूत चाहिए? तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि मैं माहिर के घर क्यों गई थी। उस सवाल का जवाब देने आई। मुझे तुम्हारे किसी भी जवाब में कोई दिलचस्पी नहीं है फाहा। लेकिन मुझे दिलचस्पी है, तुम्हारी फियांसे होने के नाते दिलचस्पी भी है और तुम्हारा ख्याल भी है। तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानता। तो मत मानो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक सच बताना चाहती हूँ। मैं माहिर के घर इसलिए गई थी कि वो लड़की जिसके सोग में तुम हवाओं से उलझते फिरते हो, तुमने अपने हंसने बोलने पे पाबंदी लगा रखी है, यहाँ तक कि अपने जीने पे भी पाबंदी लगा रखी है, कहीं वो तुम्हारी जुदाई में मर तो नहीं गई? लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत पे तरस आया, क्योंकि जिस लड़की के जोग में तुम हवाओं से उलझते फिरते हो, खुद को इतना तन्हा कर लिया, वो यूं दुल्हन बनी अपने शौहर के हाथों में हाथ डाले अपनी खुशी का जश्न मना रही थी, तुम्हारे पागलपन का मजाक उड़ा रही थी। तुम्हें यकीन नहीं आता? लो देखो, अपनी आंखों से देखो। क्या इसके अलावा भी तुम्हें कोई सबूत चाहिए? अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मुझे तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारी परवाह है, इसलिए मैं वहां गई थी, सिर्फ ये देखने कि जिस लड़की के लिए तुम इतने बेचैन हो, इतने बेकरार हो, क्या वो भी वैसे ही महसूस करती है। अगर उसके जज्बात में जरा भी बेचैनी होगी तो मैं उसको तुम्हारी हालत के बारे में बताऊंगी, मैं उसको कन्विंस करूंगी, मैं उसे कहती कि अपनी मोहब्बत पे तरस खाए, मैं उसे कहती कि तुम्हारे साथ ये जुल्म मत करे। अगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, अरे मैंने देखा कि वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसने किसी और का हाथ थाम लिया, मैंने उसकी बेइज्जती की, हाँ मैंने उसकी बेइज्जती की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर उसे तुम्हारे साथ यही सब कुछ करना था तो उसने मोहब्बत का ढोंग क्यों रचाया? क्या वो खुश है? मैं तुम्हें ये तस्वीरें दिखा के बार बार दुख नहीं देना चाहती अरे, लेकिन क्या तुम्हें उसकी आंखों में जरा सा भी गम दिखाई दे रहा है? उसके चेहरे पे जरा भी मलाल है? ना उसको भी आने से